एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? अच्छा चलो, वॉलंटियर हु वांट्स टू हैव देयर प्रोफाइल एनालिसिस यहाँ पे, यू कैन कम अप, आई विल स्टैंड ओवर हियर, आई विल टेल यू व्हाट आर योर लर्निंग स्टाइल्स एंड देन यू विल रेट मी. आजू कुछ नहीं होता, आजू कम ऑन, वन बाय वन. नहीं प्लीज लेट देम, आजू जल्दी से, कुछ भी नहीं मतलब, आजू जल्दी आओ. हाँ एक्सक्यूज मी, नो टॉकिंग प्लीज, बस यहाँ खड़े होते, सीधा सीधा मित्र मुख करना, इधर इधर. सो जस्ट ऑन बेस्ड ऑन दीज फोर थिंग्स, मैं बाकी कुछ और नहीं बता रहा अभी इसका, ठीक है. He is more of a kinesthetic learner. मैं इसको रेट करूँगा 1, 2, 3, 4, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि सबसे पहली जो इसका लर्निंग स्टाइल है वो kinesthetic है. He learns more through doing things. ठहर जो ना. दूसरा और तीसरा इसकी ऑडिटरी और विजुअल लर्निंग स्किल्स हैं. नहीं सॉरी, सेकेंड इसकी स्ट्रेंथ है ओरल रीडिंग एंड राइटिंग. थर्ड एंड फोर्थ आर इक्वल, ऑडिटरी और विजुअल लर्निंग इज द थर्ड स्किल ही हैज. कितना ठीक है? 90% ठीक बताया इसके बारे में मैंने, ठीक है. ये नहीं कि वो प्लांटेड है, लेकिन ये किसी और, बस ठीक है. दैट्स इट. एनीबडी एल्स? प्लीज, आई डोंट वांट दैट. आप मेरे से क्या सुनना चाहते हो? चुप. ओके एक मिनट. नंबर वन ऑडिटरी लर्नर, सुन के सीखती हैं नंबर वन, या लर्न करती हैं. एक मिनट प्लीज, आई वांट यू गाइस ओवर हियर. नंबर टू इज विजुअल, नंबर थ्री इज ओरल रीडिंग एंड राइटिंग, एंड लास्ट इज हर काइनेस्थेटिक. कितना ठीक है? ठीक है. सो अब क्या हो गया कि आपको इंडिविजुअल पता चल गया कि आपकी स्ट्रेंथ. नहीं, आई डोंट वांट दैट, प्लीज शट अप. नेक्स्ट, आप जो ताली बजाएगा ना वो बाहर चला, मतलब एब्सेंट लग जाएगी उसकी. प्लीज क्लास, ठीक है. नंबर वन काइनेस्थेटिक, नंबर टू ऑडिटरी, नंबर थ्री विजुअल, एंड लास्ट इज ओरल. कितना ठीक है? इधर आ जाओ, चल दिया, उठ चल, जिसने ताली बजाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो इधर आओ. कितना था इसको जो ताली बजा रहा है ना, उसको लेके आ, मैं इसका बताऊं ऐसे. आ जाओ जरा बताऊं मैं, इधर इधर आना, जल्दी आ, लेके आ. क्लास नंबर वन ऑडिटरी, नंबर टू काइनेस्थेटिक, बट आई विल से 1 and 2 आर द सेम. रीडिंग एंड राइटिंग, आप इधर खड़े हो, मैं बताता हूँ अभी आपको, जरा एक मिनट. रीडिंग एंड राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल इज द डोमिनेंस, एक्सप्लोर इट. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ तो ठीक है. और नंबर सेकेंड ऑप्शन इज ओरल, एंड लास्ट इज विजुअल. शी इज़ अ गुड पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, इसको पर्सपेक्टिव अच्छा समझ आ जाता है, एनालिसिस अच्छा कर लेती हैं या कर सकती हैं, ठीक है. बट योर लर्निंग स्टाइल इज मोर ऑफ काइनेस्थेटिक. उसको बुला ले, पूरी रो को ले, नहीं प्लीज. अच्छा इधर आओ ये. अच्छा अभी इनके साथ देखें क्या होता है, एक मिनट. इधर सीधा, पहले लर्निंग स्टाइल बता देता हूं, ठीक है. प्राइमरी जौन सा है ऑडिटरी, विजुअल लर्निंग थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, राइट और लेफ्ट आई थोड़ी सी मिलती नहीं आपस में, ठीक है. मोर ऑफ लेफ्ट साइड, मोर ऑफ फादर इन्फ्लुएंस, ही हैज मोर ऑफ हिज फादर इन्फ्लुएंस. एक मिनट ठहरो. ही इज मोर ऑफ अ फोकस्ड पर्सन,
एंगर मैनेजमेंट नहीं करनी आती, नेटवर्किंग स्किल अच्छी है, डिसीजन मेकिंग जो ज़्यादा लेगा ना वो ओवर थिंक करता है, वाइवा का इम्तिहान है ना, वाइवा दे रहा है तो उस टाइम जवाब आता होगा, सोचता जाएगा सोचता जाएगा सोचता जाएगा, और बाहर जाके जो दोस्त हैं उससे लड़के कहेगा कल से मेरे से बात नहीं करनी, ये डिसीजन इसके प्रॉब्लम्स आएंगे, ये फेशियल एनालिसिस बता रहा हूँ। इसके अलावा प्रोफेशनल और ही इंजॉयज हिज प्रोफेशनल लाइफ मोर एज कम्पेयर टू प्राइवेट लाइफ, कितना ठीक है, आपने तालियां मारी, बैठ जा जाके, ये सजा के तौर पे मैं और बड़ा कुछ बता सकता लेकिन मैंने भी थोड़ा ज़रा लिहाज किया है बाकियों का, तेरा लिहाज किया। नेक्स्ट इधर आना, कान थोड़ा सा, नहीं नहीं कान कान सिर्फ साइड पे करो, नहीं नहीं बस सिर्फ ये बेटा बाल साइड पे करना थोड़ा सा बाल सा, हाँ बस ठीक है। शी इज़ मोर ऑफ ऑडिटरी, सुन के सीखती हैं, देन काइनेस्थेटिक एंड ओरल लर्निंग, काइनेस्थेटिक एंड ओरल बराबर है। हाँ इसकी इनकी जो प्राइमरी ऑडिटरी लर्निंग है और उसके बाद विजुअल, काइनेस्थेटिक एंड ओरल आर ऑलमोस्ट द सेम साइज, ठीक है। इधर आ जाओ, भेज दे आ जा आप और जल्दी, हाँ हाँ लर्निंग स्टाइल्स की पहले बात कर लेते हैं। इसके मोर ऑफ काइनेस्थेटिक नंबर वन, नंबर टू ओरल, नंबर थ्री ऑडिटरी एंड लास्ट इज विजुअल लर्नर, ठीक है। बाकी बात करें, गुस्सा बहुत आता है, एंगर मैनेजमेंट नहीं करनी आती इसको, ठीक है। उसके बाद पर्सनल लाइफ ज़्यादा स्ट्रांग है, ओवरऑल एन इंट्रोवर्ट पर्सन, ही इज़ मोर गुड विद हिमसेल्फ एज कम्पेयर टू सोशली, घूमना फिरना नहीं कह रहा। He can start multiple projects, tasks at one time and finish them also good, सबको, ठीक है। बाकी लोगों के साथ थोड़ा ऊपर देखो, professional life में people can network with him easily, private life में थोड़ा सा ये reconservant है, लोगों को choose करके life में अंदर आने देता है। मोर ऑफ मदर इन्फ्लुएंस, मोर ऑफ मदर एट्रीब्यूट्स इन हिज पर्सनैलिटी, कितना ठीक है, 90%। चलो जाओ तुम लोग, मुझे चेहरे पढ़ने आते हैं, इधर आ जा साथ वाला। क्या मसला है, क्यों बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, लर्निंग स्टाइल, एक मिनट, लर्निंग स्टाइल्स में प्राइमरी लर्निंग स्टाइल जो आंसर है वो है ओरल, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, एक मिनट। नंबर टू इज विजुअल, टू सेकेंड स्ट्रेंथ, विजुअल ऑडिटरी इज द इक्वल स्ट्रेंथ, काइनेस्थेटिक वीक है, कम है, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ इंजॉय ज़्यादा करता है, स्ट्रांग है प्रोफेशनल लाइफ से कंपैरिजन में, ही हैज़ मोर ऑफ मदर इन्फ्लुएंस ऑन हिज पर्सनालिटी, मतलब इसके मदर के ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू हिज और हर फादर। एंगर मैनेजमेंट नहीं आती, नेटवर्किंग सोशलाइजिंग अच्छी है, नेटवर्किंग अच्छी कर सकता है लेकिन प्राइवेट लाइफ में लोगों को नहीं आने देता, प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इजाज़त दे सकता है नेटवर्क करने की, कितना है, कितना ठीक है, 70%। चलो ठीक है, चलो। और काइनेस्थेटिक काम करने की स्किल जो सी है वो प्राइवेट लाइफ में ज़्यादा अच्छी है, प्राइवेट कामों में, पर्सनल कामों में।
मेरी भाई तो नहीं आया किया था। अच्छा जी, अच्छा भाई ध्यान से, डिप्लोमेटिक है। ही इज मोर ऑफ अ डायमंड शेप फेस, मोर ऑफ अ डायमंड शेप फेस, ठीक है। डिसीजन मेकिंग ये करता है प्रैग्मेटिज्म पे, इसको नफा नुकसान की बड़ी अच्छी समझ है। आई एम नॉट, लर्निंग स्टाइल्स की बात करें तो नंबर वन ऑडिटरी, नंबर टू विजुअल, नंबर टू ऑरल, एंड नंबर थ्री आई वुड से काइनेस्थेटिक, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ इज मच स्ट्रॉन्गर एज प्राइवेट लाइफ, आप लोगों की नज़र में है ना, उससे पूछो। एक मिनट, मोर ऑफ फादर इन्फ्लुएंस एज कंपेयर टू मदर, राइट। नेटवर्क अच्छा कर लेता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता है लेकिन ख़त्म मुश्किल से होता है। टास्क, प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट, टॉपिक की बात कर रहा हूँ। मोर ऑफ अ फोकस्ड पर्सन, और क्या करें, डिसीजन मेकिंग बता दिया, डिसीजन बेसिकली प्रैग्मेटिज्म पे लेता है, नफा नुकसान की समझ इसको अच्छी है। रिस्क टेकिंग फिजिकल और इमोशनल रिस्क टेकिंग कर सकता है, प्रोफेशनल फ्यूचर रिस्क टेकिंग के लिए खुद ना गलती करना, किसी मेंटोर कोच से अपनी फ्यूचर प्लानिंग करवाना, कितना ठीक है, कितना ठीक है। एक बैठ जाए इधर आ जाए, वो बेचारा भी है, तुम लोगों ने इधर भेज दिया। अटेंडेंस भी लगवा ले, छाप भी लगवा ले साथ। अच्छा एक मिनट, लास्ट, डू यू वांट टू हैव इट और नॉट, थोड़ा सा सब्र, मैं भी आप लोगों को इतना ऊंचा बोल रहा हूँ, इतना ऊंचे मेरा वॉल्यूम नहीं है। इधर आ जाना यार। मोर ऑफ काइनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी लर्नर, देन विजुअल, एंड लास्ट इज ऑरल। आप इस तरह सीखते हैं, ये लर्निंग स्टाइल है आपके, जाके बैठ जाओ। कितना ठीक है, काफ़ी, कितना इधर हो जाए, लाइट पार्टी हो जाए। एक मिनट, मोर ऑफ काइनेस्थेटिक नंबर वन, नंबर टू इज ऑरल, नंबर थ्री इज ऑडिटरी, एंड लास्ट इज विजुअल। कितना, क्या कितने परसेंट, ट्वेंट है सर, क्या कितने परसेंट, कितने परसेंट ठीक है सर, लर्निंग हाँ बस तो ठीक है, खैर है, खैर है, कोई मसला नहीं। एनीबडी एल्स, आज आज आ जाए, यहाँ पे खड़ा हो जाए, कोई मसला नहीं। मोर ऑफ ऑडिटरी नंबर वन ऑडिटरी, एक मिनट, नंबर टू ऑरल, नंबर थ्री काइनेस्थेटिक, एंड लास्ट इज विजुअल। ओरल फर्स्ट है, लेकिन स्ट्रेंथ है, दैट्स अ स्ट्रेंथ। आप इस तरह अपना लर्निंग स्टाइल इंप्रूव कर सकते हो, बाकी इट्स पर्सनल चॉइस।